नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में एम्स की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान आंदोलन के संदर्भ में उन्हें नक्सली और खालिस्तानी कहना गलत है। किसी को भी किसानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन आज चेन्नई में भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। राज्य में भाजपा के प्रभारी सीटी रावी और पार्टी तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के घर पर ईडी की छापेमारी में 11 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा ईडी को 5 लाख रुपए का स्टैंप पेपर, 1.5 लाख रुपए कैश और 100 से अधिक बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हलचल बढ़ने लगी है। सीबीआई ने कोलकाता में तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा के ठिकाने पर छापेमारी की। केरल में आज विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। इस विशेष सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेल में बंद कैदियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सजा पा रहे कैदियों को अब उत्तर प्रदेश पैरोल पर नहीं भेजेगी। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने यह आदेश दिया। मेरठ में अवैध संबंध के शक में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाते हुए महाराष्ट्र के नागपुर से एक सहायक श्रम आयुक्त को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कानपुर में एक मालिक ने अपनी घोड़ी को जहर का इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल घोड़ी ने पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों को अपने पैरों से कुचल दिया था। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस फरार मालिक की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के बीड जिले में पंचायत ने गैंगरेप पीड़िता और उसके पूरे परिवार को गांव छोड़ने का सुनाया फरमान। खबर मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। वाराणसी में तेज रफ्तार एक पिकअप डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। वहीं पिकअप पर लदी आलू की बोरियों के नीचे से निकलकर खचुए सड़क पर भाग रहे थे, तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी। हरियाणा के जिंद में एक छात्रा से छेड़छाड़ करने पर दो गुटों में जमकर मारपीट और चाकू चले। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दोनों गुटों के 3 युवक घायल हुए हैं। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। आगरा में मछली बिक्री की आड़ में कछुओं की बिक्री की खबर पर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने धंधे का भंडाफोड़ कर दिया है। टीम ने 5 कछुए जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर के चंद चौराहे पर नाले में मिस्त्री का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद पुलिस ने शहर में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर सरगना समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार और वोटर कार्ड किए बरामद। दिल्ली में महिलाओं को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अब तक 100 महिलाओं को ब्लैकमेल कर चुका है। फिरोजाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में कुख्यात अशोक दीक्षित गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग स्कूली छात्रा के दूसरे समुदाय के दोस्त ने बहला फुसलाकर उसके अश्लील फोटो ले लिए। इसके बाद वह उन फोटो को इंटरनेट के जरिए सार्वजनिक करने की धमकी देकर अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। छात्रा के परिजनों ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। खालिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसने में लगी सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब का मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को भारत लाया गया। धर्मनगरी काशी में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर देर रात छापेमारी कर मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के संक्रमित 16 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 945 नए मरीज के संक्रमण की पुष्टि हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया। नोएडा में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस खबर से पूरे स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई। दिल्ली के LNJP अस्पताल में एक बार फिर से ओपीडी सर्विस अब शुरू हो जाएगी। कोरोना संकट के चलते यहां पर ओपीडी सर्विस को लंबे वक्त तक बंद रखा गया था, लेकिन अब दिल्ली में कोरोना के केस लगातार गिर रहे हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें परिवार के सदस्य अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ म्यूजिक बनाते हुए देखा गया। 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।